मैं रचना त्यागी फ्रॉम विमेन प्लेनेट। दोस्तों विमेन प्लेनेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हैप्पी होली बोलना चाहती हूँ। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से होली खेले, आप सबका होली का त्यौहार बहुत अच्छे से बीते। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज सेव वाटर ऑन दिस होली, पानी की ज्यादा बर्बादी ना करें। और अगर होली खेलें तो कलर यूज ना करें, अबीर से होली खेलें, क्योंकि अबीर को धुलने में ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है, बहुत आसानी से छूट जाता है। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट जरूर फॉलो करें और हैप्पी होली अगेन। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों होली ऐसा त्यौहार है, जब भी होली का टाइम आता है हम चाहे ना चाहे होली खेलने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है। तो होली खेलें जरूर, लेकिन होली खेलने से पहले सवाल ये आता है कि हम अपने स्किन और हेयर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि होली का कलर जो होता है वो बहुत साइड इफेक्ट देता है। जब भी डायरेक्ट स्किन पे या फिर हेयर पे लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, जड़ से कमज़ोर हो जाते हैं, और भी कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे हेयर हमारे ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होली खेलने से पहले अपने बालों पे ऐसा क्या करें कि आपका बाल बिल्कुल सेफ रहे, होली के कलर से डैमेज ना हो। होली के रंगों से अपने बालों की रक्षा कैसे करें, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि होली के रंग हमारे बालों को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं। होली के रंगों में कई तरह के केमिकल मिले होते हैं, जिससे सर में जलन और खुजली होती है एवं बालों का रंग भी प्रभावित होता है। बाल झड़ने लगते हैं, ड्राई हो जाता है और बालों की चमक भी चली जाती है। बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं और जड़ से कमजोर भी हो जाते हैं। इसलिए रंगों से होली खेलने से पहले अपने बालों की सुरक्षा जरूर करें। दोस्तों होली के कलर से बालों को बचाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपके घर पे कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल हो, तो आप उससे अपने हेयर की अच्छे से ऑयलिंग करें। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, रूट में भी, स्कैल्प पे भी बहुत अच्छे से ऑयल लगना जरूरी है और पूरे हेयर के पूरे स्टैंड्स में ऑयल लगना जरूरी है। और जब डायरेक्ट ऑयल लगाने से ये होता है कि डायरेक्ट कलर का डायरेक्ट इफेक्ट हेयर पे नहीं होता है, और ऑयल लगाने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि जो भी कलर होता है वो आसानी से छूट जाता है जब हम शैम्पू करते हैं। तो आइए आपको ऑयलिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से होली खेलने से पहले अपने हेयर की अच्छे से ऑयलिंग करें। मैंने अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर ली है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब मेरे बाल रेडी हैं होली खेलने के लिए, लेकिन एक स्टेप हमें और करना है। हमें यूं ही बालों को खुला नहीं छोड़ना है या फिर पोनी पोनी बना करके इस तरह से नहीं छोड़ना है। हमें पूरे बालों को लेकर के एक अच्छे से टाइट सी ब्रेडिंग करनी है, चोटी बनाना है, ताकि हेयर कलर हमारे पूरे बालों में ना करके ऊपर ऊपर तक रहे। ब्रेडिंग कर ली है, अब इसके एंड को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ करके, इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ पे रबर बैंड करें।
इस तरीके से। अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, मेरे बाल सेफ रहेंगे चाहे कितना भी कलर मेरे हेयर पे आए। और मैं तो जा रही हूँ होली खेलने, आप भी जाओ लेकिन हेयर ऑयलिंग और ब्रेडिंग करने के बाद। बाय बाय।